गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द्रोणा एजुकेशन हब पर। तो आज हमारा ये वीडियो का है दूसरा दिन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 का वैदिक मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि हमने पहले वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक करवाया था वो था ध्वजांक विधि। ठीक है, ध्वजांक विधि से अपन ने भाग देना सीखा था। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपने प्रैक्टिस भी करी होगी बहुत सारे क्वेश्चंस की घर पे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक है क्लास 10 का, दैट इज निखिलम, सूत्र निखिलम। तो जैसा कि पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ध्वजांक विधि है वो सब जगह अप्लाई होती है, यानी जो उसका रेस्ट्रिक्शन है वो डिपेंड करता है भाजक पर। ठीक है, कि ध्वजांक विधि के अंदर भाजक्स में भाजक से रिलेटेड कुछ नहीं होता, मतलब इन सेंस कि अगर भाजक किसी के आसपास भी हो तो आप भाग लगा सकते हो, लेकिन निखिलम विधि के अंतर्गत और परावर्ती योजित के अंतर्गत कुछ रिस्ट्रिक्शन है भाजक को लेकर। तो मैं क्लियर करता हूँ कि निखिलम के अंतर्गत और परावर्ती के अंतर्गत जो भाजक होता है वो आधार 10, 100 या 1000 के आसपास होना चाहिए। तो जैसा कि अपन आधार हमेशा क्या आते हैं कि 10 की घात के रूप में ही लेंगे, या तो 10 ले सकते हैं या 100 ले सकते हैं या 1000 ले सकते हैं और या इससे कोई बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस सवाल के अंतर्गत जो हमारा भाजक है 111034 और उसको डिवाइड करना है 889 से। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा भाज्य और ये कहलाएगा हमारा भाजक। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि 889। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये संख्या 1000 के आसपास है, यानी 1000 के पास है। तो अगर ऐसा कोई सवाल हो जिसके अंतर्गत भाजक 97 हो या फिर 103 हो या 1003 हो, ठीक है, उस केस के अंतर्गत हम निखिलम विधि और परावर्ती योजित विधि का उपयोग करके शेषफल और भागफल निकाल सकते हैं। जैसा कि इस सवाल के अंदर 889 है वो आधार 100 के पास है, तो यानी अपना जो भाजक होना चाहिए, ठीक है, भाजक या तो 10, 100 या 1000 के पास की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे निखिलम मेथड, उससे अपन निकालेंगे भागफल और शेषफल। तो जैसा कि इस सवाल के अंतर्गत भाज्य मेरे पास है 111034 और भाजक जो है वो 889 है। तो अगर मैं इस सवाल के अंतर्गत अगर आधार लेता हूं, तो आधार मेरा हो जाएगा 1000, आधार हो जाएगा मेरा 1000, बिकॉज ये जो संख्या है 889 ये 1000 के पास की वैल्यू है। ठीक है, ये संख्या किसके पास की वैल्यू है, 1000 के पास की वैल्यू, यानी आप देख सकते हैं 889 1000 के आसपास की वैल्यू। ठीक है, तो इस संख्या इस केस के अंतर्गत अपन निकाल लेंगे पूरक संख्या, ठीक है, तो पूरक संख्या क्या होती है, पूरक संख्या ये होती है कि आपको आधार माइनस जो भाजक की जो संख्या है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे होता है भाजक 889 और 1000 में से अगर मैं 889 माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 111 यानी 111। ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि पूरक संख्या और विचलन में डिफरेंस क्या है, एक होता है पूरक संख्या एक होता है विचलन, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सूत्र निखिलम के अंतर्गत अपन पूरक संख्या निकालते हैं और अगर मैं परावर्ती युज्यित की बात करूं तो मैं उस चीज उस केस के अंतर्गत मैं निकालूंगा विचलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरक संख्या हमेशा क्या होती है कि पूरक संख्या ये होती है कि आपको आधार में से भाजक की जो भी संख्या है उसको माइनस करना है। ठीक है, और जो विचलन होता है, विचलन का मतलब होता है कि आपको भाजक की जो संख्या है उसमें से आपको आधार माइनस करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं यहाँ पे कि मान लो सपोज मेरे पास जो भाजक है यानी मुझे जिस चीज से भाग लगाना है जिस संख्या से भाग लगाना है वो मेरे पास है 97। ठीक है, तो ये आपके ये देख सकते हैं 97 जो है वो आधार 100 के पास है। तो यहाँ पे इस केस के अंतर्गत मैं आधार लूंगा तो आधार मेरा कितना हो जाएगा, आधार मेरा हो जाएगा 100। ठीक है, भाजक 97 और आधार मेरा हो गया 100। तो अगर मैं विचलन निकालता हूं उस केस के अंतर्गत विचलन, तो विचलन क्या होता है कि संख्या माइनस आधार, यानी भाजक की जो भी संख्या है उसमें से मुझे आधार को माइनस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 97 यानी 97 में से 100 को माइनस करता हूं तो
तो मेरे पास जो वैल्यू आती है दैट आती है -03, ठीक है, माइनस का 03, बिकॉज 100 बड़ी संख्या है और 97 छोटी संख्या है, तो आंसर माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरक संख्या है, तो पूरक संख्या क्या होता है, पूरक संख्या के अंतर्गत, पूरक संख्या के अंतर्गत अपन आधार में से संख्या जो भाजक की संख्या है उसको माइनस करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मुझे पूरक संख्या निकालनी है, पूरक संख्या निकालनी है, तो मैं हमेशा आधार में से जो भी संख्या है, जो भी भाजक की संख्या है उसको मैं माइनस करूंगा, और अगर मुझे विचलन निकालना है तो उस संख्या में से, भाजक की संख्या में से मैं आधार को माइनस करूंगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर मुझे पूरक संख्या निकालनी है तो मैं आधार में से संख्या को माइनस करूंगा, और अगर इनकेस मुझे विचलन निकालना है तो विचलन के अंतर्गत मैं संख्या में से आधार को माइनस करूंगा। तो विचलन कभी माइनस में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, और जो पूरक संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, नेगेटिव भी आ सकती है किसी किसी केस के अंदर, अगर संख्या अगर बड़ी हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि कल के वीडियो में था ध्वजांक मेथड के सेम, यहाँ पे तीन खंड बनाएंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड। मेरे पास टोटल यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 और टोटल खंड है मेरे पास 3। उस खंड के अंतर्गत वैल्यू लिखनी कैसे है वो देखिए। यहाँ पे जो तृतीय खंड है, स्टार्टिंग यानी पीछे से स्टार्ट करते हैं, जो तृतीय खंड है उसके अंतर्गत, तृतीय खंड के अंतर्गत क्या होगा कि मेरे पास आधार के अंतर्गत कितने शून्य है टोटल, कि मेरे पास जो भी आधार लिया है मैंने, या तो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, या 1000 हो सकता है। तो आधार जो भी है उसके अंतर्गत जितने शून्य हैं उतनी संख्या, उतने अंक, जितने शून्य हैं उतने अंक इस भाज्य से तृतीय खंड में उतारने। यानी मेरे पास आधार था, आधार मेरे पास है 1000, तो 1000 के अंतर्गत कितने शून्य है टोटल 3। तो 3 अंक, भाज्य के 3 अंक इस तृतीय खंड के अंतर्गत उतारेंगे अपन, तो 0, 3 और 4, 0, 3, 4। तो यहाँ पे लिखा मैंने इस खंड के अंतर्गत 0, 3, 4। सवाल थोड़ा चेंज था, 111 था उसके अंतर्गत। तो तीन खंड आ गए मेरे पास 0, 3, 4, ये रहा, ठीक है। अब उस भाज्य के शेष अंक, भाज्य के शेष अंक यानी तीन खंड के अलावा, 0, 3, 4 तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास जो पूरक विचलन था, विचलन के अंतर्गत 3 शून्य थे, तो यहाँ से भाज्य के अंतर्गत 3 अंक तृतीय खंड में उतार दिए। जो सेकेंड खंड बचेगा उसके अंतर्गत भाज्य के रिमेनिंग अंक, भाज्य के जो शेष अंक बचे हैं, भाज्य के जो भी शेष अंक बचे हैं वो सेकेंड खंड के अंतर्गत आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर यहाँ तक, ये और ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बचा मेरे पास, तृतीय खंड कंप्लीट हो गया, द्वितीय खंड कंप्लीट हो गया, बचा मेरे पास प्रथम खंड। तो प्रथम खंड के अंतर्गत मुझे उतारना है भाजक, मुझे जिस संख्या से भाग देना है वो भाजक प्रथम खंड के अंतर्गत आएगा, और प्रथम खंड के अंतर्गत ही भाजक के नीचे, नहीं भाजक के जस्ट नीचे पूरक संख्या है उसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूरक संख्या के अंतर्गत जितने अंक हैं, यानी भाजक के अंतर्गत जितने अंक हैं उतने ही अंक पूरक संख्या के अंतर्गत आएंगे। अगर नहीं है तो आपको 0 एक्स्ट्रा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, वो 0 आप किसी वैल्यू के आगे 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम खंड का प्रथम खंड के अंतर्गत 889, तो उसके नीचे लिखा मैंने 111, 1, 1 और 1, बिकॉज मेरे पास पूरा संख्या थी 111, क्लियर। यहाँ तक तृतीय खंड हो गया, द्वितीय खंड हो गया और प्रथम खंड हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये तो था पूरा लिखने का प्रोसेस कि मुझे इस विधि को लिखना कैसे है, इस विधि को लिखना कैसे। मैं स्टार्ट करूंगा भाग देना, भाग कैसे करते हैं। तो भाग करने के लिए सबसे पहले इसका जो प्रथम खंड है, प्रथम अंक, वो यहाँ लिखा डायरेक्टली एज इट इज कॉपी करना है, प्रथम अंक यहाँ पे 1। फिर करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो एक अंक लिखने के बाद इस 1 को मल्टीप्लाई करना है पूरक संख्या के अंकों से, 1 को इस पूरक संख्या के अंकों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, पूरक संख्या के अंतर्गत मेरे पास टोटल अंक है 3, इन तीनों से मैं 1 by 1 मल्टीप्लाई करूंगा और आगे खंडों के आगे लिखूंगा, अंकों के आगे। तो 1 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 एकम 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, इधर नहीं उतारना है बिकॉज ये कॉपी कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 1 एज इट इज लिखेंगे अपन, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसके अंकों को इस पूरक संख्या के अंकों से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखा 1 एकम 1, क्लियर। उसके बाद इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जितने अंक है उतने अंक से मल्टीप्लाई करना है 1 by 1। इसको मल्टीप्लाई किया इस 1 से तो ये 1 आया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आएगा, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आएगा, क्लियर यहां तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये ऑलरेडी हो चुका है मेरे पास प्रोसेस कंप्लीट, तो मैंने यहाँ पे एक लिखा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1+1 आता है मेरे पास 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, अब सेम हो क्या वही प्रोसेस करना है आपको कि जो 2 है उसी को वापस पूरक संख्या के अंकों से 1/1 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे पास अंक आया 2, तो 2 को मैं पूरक संख्या में, टोटल अंक है मेरे पास 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 अंकों से, 2 एकम 2, इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2, और इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2। क्लियर। फिर नेक्स्ट अगेन इन अंकों को ऐड करना है, जोड़ना है, तो 2+1 3 3+1 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4। फिर अगेन वो का वो प्रोसेस, इस 4 को पूरक संख्या के अंकों से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जोड़ के कॉपी करके लिखना है बीच वाले खंड के अंतर्गत, और बीच वाले खंड में जो भी अंक आए उसको पूरक संख्या के अंकों से मल्टीप्लाई करके 1/1 एज इज नीचे कॉपी करके लिखना है। तो 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 से 4 बन जा 4, इस 1 से मल्टीप्लाई किया 4 बन जा 4, इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जा। तो अब जो तृतीय खंड में जो अंक है अब मैं उनको ऐड करना है। ठीक है, मतलब तो ऐड करने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं, 4 और 4 होता है 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 4 और 3 7। ठीक है, तो द्वितीय खंड में हमारे पास टोटल है संख्या 124, और तृतीय खंड में जो टोटल संख्या है वो 798। तो द्वितीय खंड में जो भी संख्या आती है उसको अपन बोलते हैं भागफल। द्वितीय खंड के जो भी संख्या है उसको अपन बोलते हैं भागफल, और जो तृतीय खंड में जो भी संख्या आई है उसको अपन बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो स्टूडेंट कल भी मैंने ये क्लियर किया था आपके कि शेषफल के अंतर्गत जो भी संख्या आती है, शेषफल के अंतर्गत जो भी संख्या आती है वो हमेशा भाजक से छोटी संख्या होती है। अपन जब भी भाग की क्रिया करते हैं तो शेषफल के अंतर्गत जो भी अंक आता है वो हमेशा भाजक से छोटा अंक ही होगा। ठीक है, तो वापस एक बार इस वीडियो को सवाल को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन था मेरे पास कि 111034 उसको मुझे डिवाइड करना था 889 से, ये मेरा था भाजक, ये मेरा था भाज्य। सबसे पहले मैंने लिखा कि जो भाजक है वो आधार, हजार के पास वाली संख्या थी तो मैंने आधार माना 1000। ठीक है, फिर मैंने निकाली पूरक संख्या, पूरक संख्या निकाली तो पूरक संख्या क्या होती है कि आधार में से आपको संख्या को माइनस करना है। तो आधार मेरे पास था 1000, उसमें से मैंने माइनस किया 889, 889 को माइनस किया तो आंसर आया मेरे पास 111, यानी पूरक संख्या मेरी हो गई 111। ठीक है, तो नेक्स्ट तीन खंड बनाने थे। ठीक है, तीन खंड के अंतर्गत, तृतीय खंड के अंतर्गत पूरक आधार के अंतर्गत जितने जीरो हैं, आधार के अंतर्गत जितने भी शून्य हैं उतने अंक भाज्य के, भाज्य में से तृतीय खंड में कॉपी करना, यानी आधार में से जितने शून्य हैं उतने अंक तृतीय खंड के अंतर्गत भाज्य में से लिखने हैं। तो मैंने लिखा 034, और इसके अलावा जो रिमेनिंग अंक बचे इसके अंदर से 111 वो मैंने लिखा शेष द्वितीय खंड के अंतर्गत, जैसा कि आप देख सकते हैं 111 यहाँ पे और 034 यहाँ पे। ठीक है, और जो प्रथम खंड की वाली संख्या है, प्रथम खंड के अंतर्गत अपन को क्या करना है, आपको लिखना है भाजक 889 और पूरक संख्या लिखी मैंने 111। ठीक है, अंक बाय अंक आपको लिखना है। उसके बाद पहला स्टेप अपना यही था कि एक कॉपी को, एक को एज इट इज कॉपी करना है, यहाँ पे एक को एज इट इज यहाँ पे उतारना है, फिर एक को 1/1 पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करके द्वितीय खंड और तृतीय खंड में लिखना है। तो अगर मैंने एक को एक से मल्टीप्लाई किया, 1 एकम 1 यरा 1, फिर 1 एकम 1 यरा 1 एकम 1। क्लियर यहाँ तक। फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आया मेरे पास 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया पूरक अंकों से, पूरक संख्या से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर मैंने इनको ऐड किया तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। फिर इन द्वितीय खंड के अंकों को ऐड किया मैंने, और तृतीय खंड के अंकों को ऐड करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ भागफल और मेरे पास प्राप्त हुआ शेषफल। तो ये था पूरा क्वेश्चन वैदिक गणित का निखिलम विधि से। कल अपन ने करी थी ध्वजांक विधि, और आज करी अपन ने निखिलम विधि। विचलन और पूरक संख्या के अंतर्गत मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया क्या होता है, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th की बोर्ड के हिसाब से। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को समझिए। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, और
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।